आज नम आंखों के साथ छोटी काशी के लोगों ने अपने चैंपियन गौतम शर्मा को विदाई दी। उनके अंतिम संस्कार के समय एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा। बताते चलें कि होशियारपुर के चैंपियन गौतम शर्मा ने अपनी जान निछावर कर करीबन करीबन 25 लोगों की जिंदगी बचा ली। बस में यात्रा करने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने सबको बचाने का पूरा प्रयास किया और अंत में वह खुद आग की चपेट में आ गए। बताते चलूं कि धार्मिक यात्रा से लौट रही बस जो कि हरियाणा के नूह क्षेत्र में आग लगने से दुर्घटना का शिकार हो गई, उसमें सवार होशियारपुर तहसील के प्रमुख राकेश शर्मा के बेटे गौतम शर्मा ने अपनी जान निछावर कर बहादुरी की मिसाल कायम की। उन्होंने जब आग की उन्हें सूचना मिली तो उस वक्त बस में सवार लोगों को बचाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। गौतम ने जलती हुई बस से 20-25 लोगों को बाहर निकाला। उसने खुशी को निकालने की कोशिश की लेकिन भगदड़ में खुशी नीचे गिर गई और बुरी तरह झुलस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अंत में जब गौतम ने देखा कि उसकी माँ शशि शर्मा फंस गई है, उसे बचाने के लिए बस के पिछले हिस्से में पहुँचा। तब तक बस में आग बुरी तरह भड़क चुकी थी। दोनों उसकी चपेट में आकर मौत के आगोश में समा गए। इस भयानक घटना ने छोटी काशी के हर एक मन को बहुत दुख पहुंचाया। ये घटना दुखद से भी दुखद कही गई क्योंकि श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने गए थे और उनकी तस्वीरें जो हैं वो बनारस के घाट पर से सामने आई, फिर अन्य तीर्थ स्थलों से उनकी सामने आई। बस में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग कारण बताया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तो ये भी बताया कि ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। होशियारपुर से ये यात्रा पर बस गई थी। बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया गया है। मरने वाले 6 लोग होशियारपुर और 1 जलंधर, मोहाली व लुधियाना के। लोगों ने बताया कि बस का डोर लॉक हुआ, खिड़कियां खुली नहीं, धुएं के कारण दम घुट गया लोगों का। घायल उर्मिला ने बताया कि एसी बस होने के कारण सीटों के बीच रास्ता बहुत कम था, इसमें से केवल एक व्यक्ति ही निकल सकता था। बस में एक ही दरवाजा था जो लॉक हो गया। आग की तपिश के साथ अंदर पूरी तरह से धुआं भर गया, लोगों का दम घुटने लगा। घायल सुनीता शर्मा ने बताया कि हादसे के समय बस में अधिकतर लोग सोए हुए थे। बस रुकते ही तेजी से आग फैल गई। खिड़की नहीं खुलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्ला रहे थे लेकिन केएमपी पर गाड़ियां निकलती रही, किसी ने उनकी सहायता नहीं की। इसी बीच गांव के लोगों ने घायलों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला, उनकी जान बचाने का काम किया। आज जब उनका मृतक देह होशियारपुर पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग आंखों में आंसू ले उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए होशियारपुर के शिवपुरी में पहुंचे। मैं आपको बताऊं कि उस बस में यात्रियों की जिनकी मौत हुई थी भयावह हादसे में, होशियारपुर के शालीमार नगर के शशि शर्मा, गौतम शर्मा व खुशी, तीनों एक ही परिवार की हैं। इनके अलावा मॉडल टाउन की सुशीला, दर्जी वाली गली में रहने वाली दर्शन लाल, मोहाली की अमर रानी, होशियारपुर की अशोक तथा लुधियाना की उषा की मौत हो गई। हालांकि इस घटना ने सबको अंदर से झकझोर दिया। हर एक व्यक्ति जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उन्होंने परमात्मा से उनकी बिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने का अपील भी किया। वहीं आज शिवपुरी में कुछ लोग यह भी बातें करते नजर आए कि तीर्थ पर गए लोग वैकुंठ की प्राप्ति की, संदेह उन्हें परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। परंतु हम सबको आगे से यह घटना बहुत कुछ सिखा गई। हम सबको अगर बस से यात्रा करना है तो किस तरह से आग से बचने की व्यवस्था करनी है, इन सब पर एक बड़े सवाल इस घटना ने खड़ा कर दिया है। अगली वीडियो में इन सब विषयों पर चर्चा करूंगा आपके साथ, बात करूंगा आपके साथ कि किस तरह से यदि कोई बस में आग लगती है तो श्रद्धालुओं को बचाने के लिए या यात्रियों को बचाने के लिए बस बनाने वाली कंपनी को क्या कुछ करना चाहिए, इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना पड़ेगा,
यह आने वाला वक्त बताए। आज इस विदाई को नम आंखों के साथ आप भी विदाई दीजिए। अपने चैंपियन को परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि गौतम शर्मा जी के आत्मा को, उनके परिवार के सभी सदस्यों जो उनकी आत्मा बिछड़ गई इस संसार से, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। होशियारपुर से जीबीसी अपडेट के लिए बजरंगी पांडे और राजकुमार की रिपोर्ट।